खरगोन में आज अघोषित बिजली कटौती एवं भीषण जल संकट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और भाजपा को जमकर कोसा। इस दौरान खरगोन कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने बिजली कटौती, जल संकट और प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं खरगोन में हुए दंगों पर पूरी भाजपा सरकार को घेरते हुए मंच से सीएम शिवराज को खरगोन से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। रवि जोशी ने कहा, दंगा कराकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है, शिवराज सिंह में दम है तो खरगोन चुनाव लड़कर देख ले, हम शिवराज सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। शिवराज सिंह सोचता है दंगा कराकर रवि जोशी और कांग्रेस को हरा दो तो मुकालते में मत रहना या कांग्रेस की सेना पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। के लिए शिवराज सिंह से लड़ेंगे, महिलाओं के अपराध के लिए प्रदेश में बढ़ते हुए बलात्कार के खिलाफ लड़ेंगे, लूट और डकैती के खिलाफ लड़ेंगे। कि शिवराज सिंह जी चरम पे पहुंच गई मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार की घटनाएं चरम पे पहुंच गई, चरम पे पहुंच गई। रोज कहीं कोई पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, आदिवासी बालक मारे जा रहे हैं सिवनी के अंदर। रोज पूरे मध्य प्रदेश में 10 ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही है कि जिसके खिलाफ लड़ाई शिवराज सिंह और उसकी सरकार के खिलाफ आपके भरोसे हम लड़ेंगे। बहुत सारी बातें हुई, पप्पू भाई ने बताया कि 4000 का बिल आया, अधिकारी चमके पप्पू भाई पत्रकार भी है तो 350 कर दिया, ऐसा सबको झूठा 4000 का बिल दिया जा रहा है। 400 की बिजली जलाने वालों को 4000 का बिल दिया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसे भ्रष्ट और अधिकारियों को हम तत्काल यहाँ से हटाएंगे और जनता को राहत देंगे। करेगा तो 25 किलोमीटर होगा तो 25 मिनट में कांग्रेस पार्टी उसके पास पहुंचेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इंसानियत की नीयत से जीते हैं, इंसानियत की हमारी भावना है। भारतीय दंगा पार्टी जैसे लोग खरगोन, नीमच, कल रात को धर्मपुरी में भी छूटपुट वारदात, जगह जगह दंगे करा रहे, हिंदू मुसलमान के रूप में बांट रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है इनके मानसिकता क्या है। हम इंसानियत का जीवन जीने वाले हैं, इंसान को इंसान से लड़ाने के लिए नहीं, इंसान को इंसान से जोड़ने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। चिंता करने की जरूरत नहीं, गांव के और बूथ पे लड़ने के साथ साथ शिवराज और उसके पूरे मंत्रिमंडल से भी लड़ने की पूरी ताकत है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जैसे आप जैसे कार्यकर्ताओं का हौसला हमारी साथ है तो शिवराज सिंह भी कहीं भी लगता है, चिंता मत है। और मैं कमल पटेल और आप लोगों को, शिवराज सिंह को आप लोगों के माध्यम से इतनी चुनौती देना चाहता हूँ कि चाहे शिवराज सिंह मध्यम हो तो खरगोन में आके चुनाव लड़ ले, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, शिवराज सिंह जैसे आदमी से हम चुनाव लड़ने को तैयार है। शिवराज सिंह में अगर दम है, दंगा करा के वो सोचता है कि रवि जोशी और कांग्रेस को हरा दो तो मुगलदे में रहने की जरूरत नहीं, ये कांग्रेस की पूरी सेना उनकी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। शहर के अंदर भी लोगों के अंदर जब ये पहले दिन तो इन्होंने हवा चलाई, बीजेपी वालों ने और प्रशासन ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि खरगोन के अंदर छुटपुट वारदात करना सोची होगी, लेकिन इनकी वारदात इतनी बड़ी हो गई कि इनके हाथ में नहीं बची और अब इनके हाथ से तोते उड़ गए। अभी तो हमारी सरकार पलट जाएगी तो पलट नहीं जाएगी, पलटने वाली है, बिजली चाह के भी नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने इतने पाप कर लिए हैं। और मैं कमल पटेल और आप लोगों को, शिवराज सिंह को आप लोगों के माध्यम से इतनी चुनौती देना चाहता हूँ कि चाहे शिवराज सिंह मध्यम हो तो खरगोन में आके चुनाव लड़ ले, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, शिवराज सिंह जैसे आदमी से हम चुनाव लड़ने को तैयार है। शिवराज सिंह में अगर दम है, दंगा करा के वो सोचता है कि रवि जोशी और कांग्रेस को हरा दूं तो मुगालदे में रहने की जरूरत नहीं, ये कांग्रेस की पूरी सेना उनकी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। शहर के अंदर भी लोगों के अंदर जब ये पहले दिन तो इन्होंने हवा चलाई, बीजेपी वालों ने और प्रशासन ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि खरगोन के अंदर छुटपुट वारदात करना सोची होगी, लेकिन इनकी वारदात इतनी बड़ी हो गई कि इनके हाथ में नहीं बची और अब इनके हाथ से तोते उड़ गए, अब इधर उधर बगले झांक रहे हैं। पूरी भाजपा और भाजपा की सरकार को पूरा भी पंचायत चुनाव में एहसास हो जाएगा कि खरगोन और बड़वानी जिले के अंदर वापस कांग्रेस की 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी आप लोगों के भरोसे। प्रदेश में कांग्रेस
द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, महंगाई और मुद्दे को लेकर किस प्रकार से आप आगामी नगरीय निकाय चुनाव में लड़ेगी कांग्रेस भाजपा? भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में महंगाई, बिजली बिल, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार को लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर आज 230 विधानसभा क्षेत्रों में धरना और धरने के बाद ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय है और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। ज्ञापन देने के पश्चात हम लोग बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाकर पूरी जनता को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, महंगाई चरम पर पहुँच गई है, बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, जिनका 400 रुपये बिल आता था उनका 14,000 रुपये का बिल आ रहा है, प्रायः 100-100 रुपये का बिल आता था उनका 4,000-5,000 रुपये का बिल आ रहा है। इसके खिलाफ हम जनता के बीच भी जाएंगे और जनता हमारे साथ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। अरे मैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को ललकारता हूँ कि खरगोन में दंगा करा के भाजपा अपने आप को सेफ होना चाहती है। मैं तो खरगोन में शिवराज सिंह भी आके चुनाव लड़ ले, मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैसा चुनाव जीतती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।